रेडमी जो नया मॉडल है ये 2 है, और इसका जो पैटर्न देख सकते हैं पिन नंबर है ये भूल चुका है, और इसको सिंपली हम हार्ड रीसेट करके इसका पैटर्न जो है वो अनलॉक करके लाइव प्रूफ आपको 100% दिखाएंगे। और ये लाइव प्रूफ है, आपको ये फ़ोन अगर अनलॉक करना है, आपका भी फ़ोन लॉक हो गया, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा और अच्छे से समझ लेने का, और जो भी करके दिखाएंगे वो अच्छे से देख लेने का, और ये लाइव प्रूफ में ऑन करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लॉक लग चुका है इसका पीछे का। अभी फ़ोन को पावर ऑफ करने का, जो कि पावर बटन प्रेस करके आपको पावर ऑफ लिखा होगा उसमें प्रेस करना पड़ेगा, और फ़ोन को स्विच ऑफ कर देने का। मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद आपको ये जो पावर बटन और वॉल्यूम प्लस वाला बटन को एक साथ में पकड़ के रखने का, जैसे मैं पकड़ के आपको दिखाया, देख सकते हैं पकड़ के रखा मैं। और रेडमी का लोगो आने के बाद आपको ये जो पावर बटन है इसको छोड़ देने का, वॉल्यूम प्लस को ऐसा ही पकड़ के रखने का जैसे मैं पकड़ के रखा हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ गया। तो आपके पास एक दो बार में ऐसा नहीं आता तो आपको 2-3 बार ट्राई कर लेने का, ये 100% आ जाएगा। और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंड्रॉइड का लोगो आ चुका है, और आपको ये जो पावर बटन और वॉल्यूम प्लस वाला बटन एक साथ में पकड़ के ऐसा प्रेस कर देने का, जो कि देख सकते हैं ये और ये वाला, और देख सकते हैं दूसरा इंटरफेस आ गया। तो सिंपली आपको वॉल्यूम जो माइनस बटन है, यानी कि वॉल्यूम माइनस बटन से आपको नीचे लेके आने का, कैसे ऐसा प्रेस करेगा एक एक करके, और नीचे आ रहा है देख सकते हैं, और आपको इसमें लेके आने का वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। उसमें जब आने के बाद आपको ये जो पावर बटन है ऑन ऑफ बटन, इसको एक बार प्रेस कर देने का। प्रेस करने के बाद आपको दूसरा इंटरफेस आ जाएगा, तो सिंपली आपको दोबारा माइनस जो वॉल्यूम माइनस बटन है उसमें से नीचे लेके आने का, और देख सकते हैं फैक्ट्री डाटा रीसेट आ गया। उसमें लेके आने के बाद दोबारा आपको पावर बटन को ही प्रेस कर देने का, और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ गया। तो अभी आपको और एक बार ये जो पावर बटन है इसको प्रेस कर देने का, इसमें लिखा है रीबूट सिस्टम नाउ, तो आपको ये पावर बटन एक बार प्रेस कर देने का, प्रेस हो गया। अभी आपको कुछ नहीं करने का, ये जो आपका फ़ोन है ऑटोमेटिक बंद होकर चालू, यानी कि स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, और चालू होने के लिए मैक्सिमम 1-5 मिनट या 10 मिनट के अंदर चालू हो जाता है। तो सिंपली आपको वेट कर लेने का, कुछ नहीं करने का, आपका फ़ोन में चार्ज है कि नहीं वो भी देख लेने का। और ये देख सकते अपना जो फ़ोन है ये स्विच ऑफ हो गया, और अभी MI का लोगो आके खड़ा हुआ है, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से रीसेट हो रहा है, जो कि इसका डाटा फैक्ट्री जो भी है पूरी तरीके से रीसेट हो रहा है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करने का, वेट करने का, आपका फ़ोन में चार्ज है कि नहीं वो ध्यान रखने का, चार्ज नहीं है तो चार्ज में डालने का, और आपको खाली वेट कर लेने का। तब तक के लिए दूसरा इंटरफेस आ जाएगा तो दिखाएंगे, तो वेट कर लेते कुछ टाइम। तो देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है लगभग 10 मिनट के अंदर ये चालू हो चुका है, और स्टार्ट वाला बटन में आपको क्लिक करने का, देख सकते हैं जो कंट्री है वो इंडिया में है, देख सकते हैं ये वाला टिक को चेक कर देने का, और उसके बाद नेक्स्ट करने का। नीचे आपको स्किप वाला बटन मिलेगा, स्किप कर देने का। तो इसमें अभी देख सकते हैं ये बोल रहा है अभी वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, जो कि इसमें नेट नहीं है। तो आप उन सबसे पहले तो एक वाईफाई कनेक्ट कर लेता है, तो देख सकते हैं जो अपना दूसरा एक फ़ोन है उस फ़ोन का अभी वाईफाई जो है मैं इसमें चालू करके इसमें कनेक्ट करेंगे। देख सकते हैं वाईफाई का जो पासवर्ड है दूसरा फ़ोन का, उसका पासवर्ड मैं देख सकते हैं अभी टाइप किया, और ये कनेक्ट हो चुका है देख सकते हैं। और देख सकते हैं इसमें ये वाला ऑप्शन को क्लिक करने का, डोंट कॉपी, और देख सकते हैं इसमें लॉक जो पूछ रहा है, जो कि इधर भी आपको लोगो दिख रहा होगा लॉक, तो इसके लिए आप उनको लॉक तो मालूम नहीं तो ईमेल आईडी के थ्रू हम लोग ओपन करेंगे, जो कि हमारा फ़ोन में जो ईमेल आईडी था उसको हम इधर फिल करेंगे। तो अपना जो ईमेल आईडी है वो इधर फिल कर देते हैं, और फिंग का फिल करने के बाद देख सकते हैं अपना जो स्किप वाला बटन इसमें दिख गया, आपको स्किप कर देने का, दोबारा आपको स्किप करने का, मोर वाला ऑप्शन में क्लिक करने का, और एक्सेप्ट में क्लिक कर देने का। तो देख सकते हैं इसमें लॉक लगा सकता है, आपको लॉक लगाना है तो आप उनको लॉक लगाना नहीं है अभी ओपन करना है, तो सिंपली दोबारा स्किप कर देने का, दोबारा स्किप वाला बटन में क्लिक करने का, ओके करने का,
और ये कुछ लोडिंग हो रहा है, फिर वाला आइकन में क्लिक कर देने का। देख सकते अपना जो फ़ोन है ये ऑन हो चुका है, और इसको हम अभी चेक करेंगे बटन प्रेस करके, देख सकते हैं। तो ये अपना फ़ोन जो है ये बिल्कुल ऑन हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फ़ोन को आपको अनलॉक कर सकते हैं। मेन बात होता है कि आपको आपका जो मेल आईडी है वो मेल आईडी भूलना नहीं चाहिए, वो मेल आईडी डालना पड़ेगा, और मेल आईडी का जो पासवर्ड है वो डाल के नेक्स्ट करेगा तो आ जाएगा। कोई फ़ोन में तो मेल आईडी भी नहीं पूछता है, स्किप वाला बटन डायरेक्ट आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप वीडियो देख के ये फ़ोन को अनलॉक कर सकता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर दोनों का देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।